आज बैठे बैठे बोर हो रही तो लगा कुछ डिफरेंट सा बनाते हैं। बस निकल पड़ी किचन में, पैन में डाले हैं बादाम, इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए, क्रैक हो जाए, इसमें डालेंगे काजू और काजू को भी रोस्ट कर लेंगे। दोनों को रोस्ट करने के बाद निकाल लेंगे। अब इसी पैन में डालेंगे खरबूजे के बीज, इनको भी भूनेंगे और साथ में इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल। दोनों को मिलाकर अच्छे से भून लेंगे। जब ये फूल जाएं और रोस्ट हो जाएं गोल्डन ब्राउन इस तरह से, तो बस ये तैयार हैं। इन्हें निकाल लेंगे और फिर से इसी पैन में हम लेंगे मखाने, मखाने को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद लेंगे मूंगफली, मूंगफली को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सब भुन जाए उसके बाद लेंगे घिसा हुआ नारियल या नारियल का बुरादा, इसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद ये लिया है मैंने गुड़, गुड़ को कद्दूकस कर लिया था। और उसके बाद इसको डालेंगे कढ़ाई में, साथ में इसके डालेंगे हम 2 चम्मच देसी घी, अच्छे से डाल देंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली जितनी आपकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से गुड़ लें। बस इसमें घी डालेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट होने लगेगा, हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स का हमने पाउडर कर लिया था। ये है हमारा नारियल का बुरादा, ये है मखाने का पाउडर पीस लिया था उसको, सारे नट्स जो भी भुने थे हमने उनका पाउडर, और तिल और खरबूजे के बीज का भी पाउडर ड्राई रोस्ट कर लिया, और थोड़ी सी काली मिर्च, सबको मिला के इसमें मिक्स करा और चलाएंगे। ये देखिए अच्छे से ये हलवा जैसा पेस्ट हो गया है। अब इसे बटर पेपर पर अच्छे से फैला के सेट होने देंगे। मैंने ये रफली तोड़कर इसकी गज्जक बनाई है, आप चाहें तो इसको चाकू से कट करके स्क्वायर या डायमंड शेप कट कर सकते हैं। तैयार है, सुपर हेल्दी सर्दियों के लिए। इवन आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं अगर आपका व्रत है तो। तैयार है हमारी ड्राई फ्रूट की चिक्की।